हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो एक बार फिर से बिहार पॉलिटेक्निक के ऊपर है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आपको पहले सबसे पहले थंबनेल देकर के समझ में आ गया कि हम किस बारे में बात करेंगे। देखो यार, सबसे पहले आप समझ लो कि आपको काउंसलिंग करानी है, आपका रैंक चाहे कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन आपको काउंसलिंग करानी है, क्योंकि काउंसलिंग में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं हम काउंसलिंग कराएं? क्या मतलब, अगर नहीं कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर करा लिए, अगर ब्रांच मिल जाता है तो बहुत अच्छी की बात है। तो सबसे पहले समझो कि यार कि मुझे काउंसलिंग करानी है, चाहे मुझे कितना भी रैंक है उससे कोई बहस नहीं है। कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा इतना रैंक है, मुझे कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर इतने इतने के बीच में यदि आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज वगैरह या फिर आपको ये ब्रांच देखने को मिल सकता है। तो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यार जरूर से देखें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको कार्ड पर मिल जाएगा, एक बार जरूर से विजिट कर लेना। आज समझते हैं कि काउंसलिंग क्यों कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, सीट जो है वो फिक्स होती है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी ब्रांच हैं उन सभी को लेकर के, और उन्हीं स्टूडेंट का ही एडमिशन होगा जिसका रैंक ज़्यादा है। कुछ कोटा का भी यहाँ पे खेल होता है, EWS का है, क्योंकि अगर इसका खेल नहीं होता तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया जाता कि आप EWS में इतना आए हुए हैं, SC में इतना आए हुए हैं, ST में इतना है, OBC, EBC जितने भी सेक्शंस हैं, कोटा वगैरह है, तो इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं होती यदि इसका यहाँ पर उपयोग नहीं होता तब। यानी कि इसका उपयोग 100% है, आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ सीटें अभी भी रिजर्व होती है इन सभी कोटा वालों के लिए, तो आप एक बार जरूर से ट्राई करना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने पिछला बार भी ट्राई किया था, मुझे कॉलेज नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? कुछ लोग का कॉलेज मिल गया, कुछ लोग का रैंक ऊपर भी था तब भी कॉलेज नहीं मिला। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे से नीचे वाले का जो है कॉलेज मिल गया बट मुझे नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सभी दिक्कत आती है आपके कॉलेज फिलअप यानी कि जब चॉइस फिलिंग करते हैं उस वक्त। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि पटना कॉलेज बेटर है या फिर छपरा कॉलेज बेटर है या गया का है, भागलपुर का, जो भी मतलब कॉलेज आपको मुजफ्फरपुर बोलते हैं उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान में रखो कि यदि आपका रैंक लो है तो आप वैसा कॉलेज चूज करो कि जहाँ आपकी सुविधा भी हो आने जाने की, रहने की, जहाँ आप उसमें पॉसिबल है कि हम वहाँ पे जाकर के रह सकते हैं, जो भी हमको पढ़ना है पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पर। तो आप वैसे कॉलेज का पहले लिस्ट बना लो, लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप उल्टा सीधा फिल कर देंगे, फिर जब काउंसलिंग के बाद रिजल्ट आएगा तो फिर आप माथा पकड़ कर रोने लगेंगे कि मुझे नहीं मिला है, ये हुआ, उसका नीचे रैंक था उसका मिल गया। तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने लिस्ट बना लिया, ठीक है, लेकिन किसका लिस्ट बनाया आपने? कॉलेज का। अब आपको बनाने हैं ब्रांच का। ब्रांच के लिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि मुझे सिविल लेना है, फिर वो नहीं मेरे को मैकेनिकल लेना है, फिर कंप्यूटर साइंस भी मिलेगा तो चलेगा। तो ये चलना नहीं है, आप कन्फर्म करो कि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सिविल चाहिए या फिर मैकेनिकल चाहिए या फिर मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, पहले आप कन्फर्म कर लो। फिर आप सिविल यदि आपको चाहिए तो जिन जिन कॉलेज का आप लोगों ने लिस्ट बनाया था उस लिस्ट के साथ उसको अटैच करो। यानी कि मान लो पहले कॉलेज आपका था मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर पहला नंबर पे हमको चाहिए, तो मुजफ्फरपुर पहला नंबर, उसके साथ सिविल ब्रांच, फिर सेकेंड नंबर सिविल ब्रांच भी रहेगा लेकिन कॉलेज दूसरा रहेगा, फिर सिविल ब्रांच ही रहेगा लेकिन कॉलेज तीसरा रहेगा, सिविल ब्रांच कॉलेज चौथा, फिर सिविल ब्रांच कॉलेज पांचवा। यानी कि जितना आपका कॉलेज रहेगा आपका ब्रांच वैसे वैसे ही सजाना है। ऐसा नहीं कि पहले सिविल डाल दिए फिर इलेक्ट्रिकल डाल दिए फिर कंप्यूटर साइंस डाल दिए एक ही मतलब कॉलेज का, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। मान लीजिए वहाँ सीट नहीं मिलता है आपको और इलेक्ट्रिकल सीट है, तब तक वहाँ पहुँचा रहा, वहाँ भर गया तो गया काम से। तो ऐसे ही आपको करना है, जिस ब्रांच का आपको चाहिए कि नहीं मुझे सिविल ही चाहिए तो आपको सिविल का ही डालना है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल डालिए, फिर वही कॉलेज, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर दूसरा कॉलेज, फिर इलेक्ट्रिकल, तीसरा कॉलेज। ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके मन मुताबिक ब्रांच जरूर मिलेगा यदि आपका रैंक ठीक ठाक भी होगा या आपका कोटा वगैरह से होगा तो।
नहीं भी ठीक है कोई बात नहीं, आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला था कि चॉइस फिलिंग जरूर से करना, इसकी कोई पैसा नहीं लगता है, आपको ब्रांच मिलना होगा जरूर से मिलेगा, नहीं मिलना होगा कोई बात नहीं, अगला साल फिर ट्राई करेंगे या कोई और दूसरा कोर्स देखेंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसी में साल भर नहीं बर्बाद कर देना है, और भी कोर्सेज हैं, आप जरूर से ट्राई करें दूसरा कोर्स करने का। यदि आप 2 साल से ट्राई कर रहे हैं नहीं इंटरेस्ट निकला, कोई बात नहीं, आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। आपका जो ये समय है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो इसको आपको बचा करके रखना है, न कि एक ही चीज़ में आपको वेस्ट करना है। पॉलिटेक्निक एग्जाम दिया, इंटरेस्ट नहीं क्लियर हुआ, अगला साल देंगे, फिर दिया नहीं हुआ, फिर अगला साल देंगे, तो 3 साल आपका बर्बाद। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इंटरेंस का और बीच में कोई आप कोर्स कर रहे हैं, तो ये आपका एक तरह से बेटर है। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, ठीक है। यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो तो जरूर से लाइक करना इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार आते हैं और अभी देखे हैं पहली बार, तो यार सब्सक्राइब जरूर से करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और समझाओ लोगों को भी कि ऐसे गलती ना करें, इस प्रकार से आपको करना है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत।